भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों चर्चा में चल रहे हैं। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या को लेकर सुनील गावस्कर और माइकल होल्डिंग ने भी आलोचना की थी। उसी बात पर पहली बार हार्दिक पांड्या ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मैं इतनी काबिलियत रखता हूं कि लोग मेरे बारे में बात करें। बता दें आपको कि पांड्या की पहले कपिल देव से तुलना की जाती थी। इन सब पर हार्दिक पांड्या ने कहा कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या कहता है। इन सभी लोगों ने बहुत क्रिकेट खेला है, उन्हें जो कहना है कहने दीजिए, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन आप भी समझिए मेरे में इतनी तो काबिलियत है कि वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं इसे सकारात्मक रूप में लेता हूं। वहीं अपनी फिटनेस के बारे में पांड्या ने कहा कि अभी मुझे नहीं पता कि मैं इंडिया टीम में कब वापस कर पाऊंगा, मैं तेजी से सुधार कर रहा हूं। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैं जिस तरह से चोटिल हुआ वो सच में दुखदायक था, मैं अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान देना चाहता हूं। हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में 100% देना चाहता हूं। हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं बस यही चाहता हूं कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीते। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट डेस्क से गौरव की रिपोर्ट।